स्वामी मुक्तानंद पुरी कहते हैं कि जो समय मैंने विशेष साधना में बिताया, उस समय का अधिकांश समय मैंने नर्मदा नदी के तट पर बिताया। भारत में तीन प्रमुख नदियों के तट पर रहने के लाभों के बारे में एक कहावत है, गंगा के तट पर ज्ञान, यमुना के तट पर भक्ति और नर्मदा के तट पर तपस्या। भारत में नर्मदा एकमात्र ऐसी नदी है जहां पूरी परिक्रमा की जाती है। इस परिक्रमा से अत्यधिक आध्यात्मिक लाभ होता है। जब कोई नदी के चारों ओर चलता है तो नदी चलने वाले व्यक्ति के दाहिने हाथ पर होनी चाहिए, इसलिए इसे प्रदक्षिणा भी कहा जाता है। ये प्रदक्षिणा बहुत ही कड़े नियमों के साथ की जाती है। इस अवधि के दौरान किसी भी समय कोई भी नदी पार नहीं कर सकता। परिक्रमा का अनेक कारणों से विशेष आध्यात्मिक महत्व है। नर्मदा के चारों ओर अनेक मंदिर हैं, जो सिद्ध पीठ है। नदी के दोनों किनारों पर बहुत से उच्च कोटि के सन्यासी और आध्यात्मिक व्यक्ति रहते हैं। यह भी कहा जाता है कि नर्मदा के दोनों किनारों पर इतने सारे सिद्ध रहते हैं कि वे लगभग एक दूसरे को छूते हैं। शास्त्रों में परिक्रमा की अवधि 3 वर्ष 3 माह और 13 दिन बताई गई है। यदि आप तपस्वी बनना चाहते हैं, तो वह नर्मदा नदी है जहां व्यक्ति को साधना करनी चाहिए। नर्मदा नदी के तट के कुछ हिस्से विशेष रूप से अन्य स्तरों के जीवों से सक्रिय है। इनमें आमतौर पर सूक्ष्म रूप वाले संत होते हैं, लेकिन अन्य प्राणी भी होते हैं। अतीत के कुछ साधु जो साधना में लगे हुए थे, कई मायनों में सिद्ध हो गए थे। कई ने मृत्यु पर विजय पानी थी। क्योंकि ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं ने योग पूर्णता प्राप्त कर ली थी, वे लगभग मृत्युहीन है। अब उन्होंने सभी 8 सिद्धियां अर्मा महिमा लघमा गर्मा प्राप्ति प्रकाशिव इसित्व वासित्व प्राप्त कर ली है। हिंदू मान्यता के अनुसार 7 चिरंजीवी हैं, राजा बलि, भगवान परशुराम, भगवान हनुमान, राजा विभीषण, महर्षि व्यास, आचार्य कृपाचार्य और राजकुमार अश्वत्थामा। आमतौर पर एक अतिरिक्त 8वें को भी गिना जाता है, महर्षि मार्कंडेय। इन चिरंजीवियों के अलावा कई अन्य संत भी हैं जो चिरंजीवी हैं, क्योंकि भारत के विभिन्न हिस्सों में लोगों को ऐसे संतों के साथ असामान्य अनुभव हुए हैं। माहेश्वर में नर्मदा नदी का तट एक ऐसा स्थान है जो सूक्ष्म रूप में संतों से भरा हुआ है। माहेश्वर में नर्मदा नदी विशेष रूप से लगभग 1 किलोमीटर चौड़ी है। विशेष रूप से एक घाट जहां हम प्रतिदिन स्नान करते थे, ये बहुत विशेष था। ऐसा लगता था कि वहां हर दिन कुछ ना कुछ घटित होता रहता है। जब मैंने ये बात स्वामी करुणा निधान दास के साथ साझा की, तो वे बहुत उत्सुक हो गए अनुभव करने के लिए कि इस घाट में क्या खास है। रात को उन्होंने घाट पर सोने का फैसला किया। स्वामी करुणा निधान दास ने घाट पर एक गद्दा ले जाकर खुले में नदी के किनारे 2 घाटों के बीच में अपना बिस्तर लगाया और अनुभव करने का फैसला किया कि क्या हो सकता है। अगले दिन मैंने उनसे उनके अनुभव के बारे में सवाल किया। पहले तो उन्होंने ज्यादा कुछ नहीं कहा और सवाल को टालने की कोशिश की। जब मैंने जिद की तो उन्होंने हार मान ली और मुझसे कहा कि मैं रात भर सो नहीं सके, क्योंकि किनारे पर बहुत अधिक ऊर्जा थी। लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच उन्हें एक संत दिखाई दिए जो ना बूढ़े लग रहे थे ना युवा। सफेद कपड़े पहने हुए, कुछ रोशनी से घिरे हुए नदी के किनारे वे अच्छी गति से चल रहे थे। स्वामी करुणा निधान दास आसानी से संत को देख सकते थे, लेकिन जब उन्होंने हिलने की कोशिश की तो वे हिल ना सके। उन्होंने कहा, मैं उन संत को चलते हुए देख रहा था। मुझे एहसास हुआ कि मैं एक विशेष संत को देख सकता हूँ, मुझे उनसे मिलना चाहिए, लेकिन मैं चाहकर भी
हिल ना सका। मैंने उन्हें असहाय होकर क्षितिज की ओर चलते हुए देखा। महेश्वर में सीमित संख्या में सन्यासी और साधु थे। हम सभी एक दूसरे को जानते थे, लेकिन वह संत हमारे द्वारा ज्ञात किसी भी व्यक्ति के वर्णन में बिल्कुल फिट नहीं बैठते थे। महेश्वर घाट पर एक ब्रह्मचारी जी भी रहते थे, जो इन सूक्ष्म संतों और प्राणियों से, जो अधिकार किसी को दिखाई नहीं देते, उनको आसानी से देख लेते थे, उनसे संवाद भी कर लेते थे। एक रात आधी रात के बाद जब वे जप कर रहे थे, उनके साथ दो अन्य शिष्य भी थे, जो अपना अभ्यास कर रहे थे। एक छात्र सो गया, दूसरा छात्र ब्रह्मचारी गोविंद चैतन्य जाप कर रहा था। अचानक ब्रह्मचारी गोविंद चैतन्य से बोलते हैं, इन्हें दक्षिणा दे दो। गोविंद चैतन्य कहते हैं, मैंने चारों ओर देखा, लेकिन मुझे कोई नजर नहीं आया। ब्रह्मचारी चढ़कर उनकी ओर देखते हैं और फिर कहते हैं, इनको दक्षिणा दो। गोविंद चैतन्य हमें कहानी सुनाते हुए कहते हैं कि मैं कैसे दक्षिणा दे सकता था, मैंने किसी को नहीं देखा, मेरे शरीर के सारे बाल खड़े हो गए। मैंने असमंजस में ब्रह्मचारी की ओर देखकर बोला, किसको दक्षिणा दू गुरुजी, मुझे तो कोई दिखाई नहीं देता। ब्रह्मचारी जी चढ़कर उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं, तुम धीरे हो गए, वे चले गए। अगले दिन गोविंद चैतन्य के पूछने पर ब्रह्मचारी जी बोले, वे एक अतिथि संत थे, तुम धीरे हो गए, वे चले गए, वे एक अतिथि संत थे। गोविंद चैतन्य कहते हैं कि जब मैं उस रात की घटना को याद करता हूँ तो आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। निजी तौर पर ब्रह्मचारी जी हमें बताते थे कि जहाँ भी पवित्र गायत्री मंत्र का अभ्यास किया जाता है, वहाँ सूक्ष्म रूप में कई संत और ऋषि आते रहते हैं।